हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो कैसे आप लोग? आज की वीडियो में मेरा जो नया हैंडल बार स्टोर किया NS160 में, जो इसका हैंडल बार है वो है N250 बजाज का। जो N250 है उसका हैंडल बार मैंने अपनी NS160 में इंस्टॉल किया, तो आज इसका रिव्यू मैं देने वाला हूँ। तो पहले इसका जो फ़ायदे है सब बोल देता हूँ, उसके बाद इसका जो नुकसान होता है वो भी बोल दूँगा। सबसे पहले इसका फ़ायदा जो है वो आपका जो सीटिंग पोजिशन है ना, बहुत सुंदर हो जाता है, एकदम सीधा बैठ सकते हो। कुछ भी आपको झुक के नहीं बैठना होगा, उससे आपके कमर में दर्द भी नहीं होगा, एकदम स्मूथली आप बाइक को चला सकते हो। और बहुत मस्त फीलिंग आता है जब इसको चलाते हो। इसको चलाने का मन ही करता है, छोड़ने का मन नहीं करता। तो ये है पहला पॉइंट। और दूसरा जो इसका फ़ायदा है, आप अपनी जो हेडलाइट हैजर्ड और फॉग लाइट उसका जो स्विच होता है वो सब आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। वो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। किंतु पहले जो हैंडल बार होते हो उसमें ये सब कुछ भी नहीं लगा सकते, उसका जो इसके लिए आपको नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। और तीसरा जो इसका फ़ायदा है तो आप लोग एकदम सांप की तरह जिगजग करके इसको चला सकते हो, एकदम स्मूथली ये चलेगा और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब इसका फ़ायदा है। लेकिन जो आपको फ़ायदे मिल रहे हैं उसके साथ एक नुकसान भी होता है। जब भी इससे आप स्लाइडिंग करने जाओगे, मतलब आप थोड़ा घूमने जाओगे, तब आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आपको जब स्पीड में होगे आपको एक डर लगेगा आपके मन में, और आपको इसको स्लो करके ही स्लाइडिंग करना होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसका जो फ़ायदा नुकसान है ये सब यही है। और अब मैं बोलता हूँ इसको इंस्टॉल करने में मेरा कितना खर्च आया और क्या क्या करना पड़ा। सबसे पहले इसके नीचे एक प्लेट जैसा लगता है जो मैंने अपनी खुद बनाया, ऑनलाइन में इसका कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने इसका हैंडल बार खोल के नाप माप लेके मैंने खुद बनाया। जो जिनको नहीं पता, मेरे पापा का लोहे का शॉप है, तो वहाँ भी मैंने खुद अपने हाथों से बना लिया इसका जो प्लेट है। उसके साथ चार एलई के बोल मुझे लगा जो मैंने बाहर से ख़रीदा, वो एक 30 रुपीज़ का था। उसके साथ चार वाशर की तरह थोड़ा 1 इंच का पाइप लगा मुझे, जो अभी मार्केट में मैंने 20 रुपीज़ में ख़रीदा चार, तो यहाँ पे चला गया टोटल 200 रुपये। उसके साथ जो हैंडल बार का पूरा सेट है मुझे लगभग ऑफलाइन तो नहीं मिला, तो मैंने 99 RPM से ऑर्डर किया, तो उसका टोटल मिला के 1200 की तरह लगा मुझे, तो लगभग 1400 हो गया। और उसके साथ जो प्लेट है मैंने खुद बने हैं, नहीं तो उसका भी 200-300 आप ऐड कर लो, लगभग 1700 की तरफ मुझे मिला। और ये हैंडल बार N250 बाइक का है, तो उसमें NS में ये बहुत सुंदर दिखते हैं, सामने से भी बहुत सुंदर दिखते हैं और चलाने भी बहुत सुंदर है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसका इंस्टॉलेशन वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक वो भी मैं दे दूंगा, आप जाके उसको भी देख लेना। थैंक यू।